सो हेलो एवरीवन वेलकम टू न्यू वीडियो सीरीज जिसमें हम कवर करेंगे कुछ मेजर ऑडिट प्रोसेसेस मतलब चेकलिस्ट एक बेसिकली कवर करेंगे हम बेसिक्स ऑफ ऑडिट कवर नहीं करेंगे बेसिकली हम किसी भी प्रोसेस को कैसे ऑडिट करें फॉर एग्जांपल टुडे वी विल कवरिंग प्रोक्योरमेंट या पी टू पी तो हम कवर करेंगे बेसिकली मेजर मेजर पॉइंट्स वन शुड कवर बेसिकली ये वीडियोस काम आएगी फ्रेशर्स के लिए जो नया कैरियर बना रहे हैं इंटरनल ऑडिट में अपना उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो एटलीस्ट दे हैव सम स्टार्ट पॉइंट की कैसे शुरू करें क्या क्या कवर करना चाहिए इवन इफ यू आर एक्सपीरियंस स्टिल आपके लिए हेल्पफुल रहेगी क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें मिस हो जाती हैं सो so, मेरी भी ये वीडियो में सारे चेक पॉइंट्स मैं कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा चेक पॉइंट्स होते हैं अगर हम काम करते हैं किसी भी प्रोसेस में तो काम करते करते ही या रिव्यू करते करते ही हमें बहुत सारे चेक पॉइंट्स और भी मिल जाते हैं तो ये मोटे मोटे बेसिक्स हैं कि ये तो एटलीस्ट आपको कवर करने ही चाहिए कभी भी आप प्रिक्योरमेंट ऑडिट करें परचेज ऑडिट करें या पी टू पी ऑडिट करें तो चलते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहला पॉइंट जैसे है कि एस सोप होनी चाहिए चेक द वेदर द कंपनी हैविंग डेडिकेटेड SOP SOP तो बेसिक है कई कंपनीज बनाती हैं कई कंपनीज नहीं बनाती एस ओ पी है तो क्या वो फॉलो हो रही है या नहीं लास्ट टाइम कब अपडेट हुई थी वर्जनिंग है नहीं है प्रॉपर uh, अथॉरिटी से अप्रूव्ड है नहीं है ये बेसिकली हम मोटा मोटा कवर कर सकते हैं अथॉरिटी मैट्रिक्स बोले तो एक डॉक्यूमेंटेड मैट्रिक्स जिसमें हर एक यूज़र का रोल डिफाइंड हो मतलब अथॉरिटी डिफाइंड हो तो वो एक डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए रिस्पॉसिबिलिटीज़ है नहीं है जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है लोगों को वो एज पर अथॉरिटी मैट्रिक्स है नहीं है फॉर एग्जाम्पल अथॉरिटी मैट्रिक्स बोलती है ए बी सी और एक्चुअल में जो हो रहा है वो एक्स वाई जेड हो रहा है तो जो एक्चुअल चीज़ हो रही है और जो डॉक्यूमेंटेड है उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए और तो अगला पॉइंट आता है चेक वेदर डिपार्टमेंट हैविंग ट्रेनिंग मैनुअल और कोई जैसे होता है ना कई डिपार्टमेंट्स में कहीं आपने करा होंगे अगर ऑडिट तो कई जगह ट्रेनिंग मैनुअल्स होता है फॉर यूजर्स प्रिक्योरमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे यूजर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं फॉर एग्जाम्पल पी कैसे क्रिएट करें या इंडेंट कैसे रेस करें उसका एक मैनुअल हो ट्रेनिंग मैनुअल हो तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है अगर ये ना भी है तो भी कोई इतना बड़ा ऑडिट पॉइंट नहीं है ये बेसिकली गुड टू हैव चीज़ है बेंच के हिसाब से कि काफ़ी कंपनीज में होता है एक ट्रेनिंग मैनुअल कि पी कैसे बनेगा पी कैसे बनेगा जी कैसे होएगा तो एक पूरा एक ट्रेनिंग मैनुअल होता है

प्योर रेस करने के राय होंगे और एक के पास प्योर रिलीज करने के राय होंगे राइट्स होंगे बेसिकली तो एक बंदे के पास जो राइट्स हैं सिस्टम में वो अलग नहीं होने चाहिए जो उसको एक्चुअल में अथॉरिटी है एक्चुअल में उसको राइट्स मिलने चाहिए फॉर एग्जांपल एक बंदे को पीआर आर अप्रूवल के राइट्स हैं बट उसको पी ओ अप्रूव करने के राइट्स दे रखे हैं सिस्टम में आप में तो ये अलग है तो लॉजिकल एक्सेस राइट्स आप चेक कर सकते हैं कहीं सॉफ्टवेयर में कहीं ई आर बी में या सैप में आप बात करें तो बहुत ईजिली से निकल जाते हैं सैप में अगर आपकी कंपनी में बेसिस के राइट्स निकालने हैं तो वो भी बहुत आसान है तो उसको आप एक राइट्स के एक पूरा डिमांड कर सकते हैं डिपार्टमेंट से या अगर आई टी का बंदा है तो उससे डिमांड कर सकते हैं कि मेरे को एक लॉजिकल एक्सेस राइट्स की एक शीट चाहिए या एक रिपोर्ट चाहिए कि किस किस के पास किस किस चीज़ का राइट है आपके सॉफ्टवेयर में या एम एम मोड्यूल बोलते हैं जैसे एस एप में तो ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तो आप एक्सेस राइट्स की रिपोर्ट ले सकते हैं अब अगली है एस ओ डी रूल एस ओ डी रूल मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी रूल्स तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है इवन प्रोक्योरमेंट uh, में नहीं बहुत सारे सारे ही इवन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एज अ नेम सजेस्ट बोलते हैं कि आपकी जो ड्यूटीज है वो सेग्रीगेटेड होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल एक बंदा पी ओ बनाएगा दूसरा बंदा अप्रूव करेगा ये नहीं है कि जो बंदा पी ओ बना रहा है वो ही अप्रूव कर रहा है सेम विद पी आर सेम विथ इन्वायस प्रोसेसिंग की इन्वाइस प्रोसेस में बोलते हैं ना एक मेकर चेकर कंट्रोल होना चाहिए तो उसी तरीके से सेग्रीगेशन ऑफ़ ड्यूटी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आगे कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी जो आपके सेप में होने चाहिए या आपके ई आर पी में होने चाहिए या अगर आप ऑफलाइन भी कर रहे हैं या आप एक्सेल में भी कर रहे हैं तो कौन से सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए आपके प्रिक्योरमेंट प्रोसेस में उसके बाद आती है पीओ डम चेक करना चाहिए पीओ डम एक बेसिक बेसिकली पूरे साल का निकाले या जितना ऑडिट पीरियड हो उसमें कुछ सैम्पल पीओ ओ सिलेक्ट कर सकते हैं उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं तो अगर एस में लिखा हुआ है या प्रोवर्मेंट पॉलिसी है कि फॉर एग्जाम्पल इन इन वेंडरों से ही मंगवाना है एक्सपायर जेड प्रोडक्ट्स या इतने कोटेशन होने चाहिए इतने मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी होनी चाहिए तो सारे आपको एक पी निकालेंगे फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर हंड्रेड तो कुछ दस परसेंट या बीस परसेंट सैम्पल में आप डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं तो इसको सिंपली आप चेक कर सकते हैं उससे अगला पॉइंट और है कि आपके सारे पीओ में कोटेशन है लगी है नहीं लगी है फॉर एग्जाम्पल तीन वेंडर की कोटेशन है नहीं अगर नहीं है तो किसी का अप्रूविंग अथॉरिटी का अप्रूवल है कि हमारे पास जो जो हमारी परचेज पॉलिसी थी हमने उसको डाइवेट किया है या उसको फॉलो नहीं किया है तो उसके लिए किसी अप्रूविंग अथॉरिटी का अप्रूवल है नहीं है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया नहीं किया बिफोर फाइनलाइजिंग अ वेंडर फॉर आपने तीन वेंडर करें, तो उन तीनों का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया नहीं किया कभी कभी क्या होता है कि एक वेंडर सस्ता होता है बट उसपे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, या उसकी बाकी टर्म्स हमारे लिए अच्छी नहीं है तो सीबीए करना बहुत जरूरी है और इसी तरह कुछ पीओ की हम सैम्पल टर्म्स चेक कर सकते हैं कि ये पी की जो टर्म्स है एज पर कंपनी पॉलिसी है नहीं है कई बार क्या होता है कि पेनल्टी क्लॉज मिसिंग होता है कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ बेसिकली ऐसा ले ब्रीच हो जाए तो क्या करेंगे उस सिनारों में वो मेंशन नहीं होता बेसिकली कुछ केसेस में एग्रीमेंट जरूरी होता है पर एग्रीमेंट नहीं होता है कुछ केसेज में क्या होता है पी में टर्म्स कुछ और लिखे होते हैं और एग्रीमेंट में टर्म्स कुछ और लिखे होते हैं तो ये सारा कुछ चेक कर सकते हैं अग्रीमेंट चेक कर सकते हैं कि मेजर मेजर बड़े बड़े जो पी हैं उनके सपोर्टिंग में एग्रीमेंट्स लगे नहीं लगे और वो एग्रीमेंट्स अब कंपनी की मैनेजेरियल पर्सन ने साइन किया नहीं किया एज पर कंपनी लॉ की जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो किया नहीं किया हम एग्रीमेंट्स चेक कर सकते हैं कि इस जो एग्रीमेंट में लिखा है वो क्या लिखा एज पर कंपनी पॉलिसी है नहीं है नहीं है 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 टर्म्स और जो फाइनलाइज पीओ बना है वो एज पर एग्रीमेंट बना नहीं बना प्रिक्योरमेंट बजट चेक कर सकते हैं कि कंपनी का जनरली बड़ी बड़ी कंपनीज का प्रिक्योरमेंट बजट होता है बट स्टिल वी कैन चेक कि प्रिक्योरमेंट बजट है नहीं है अगर प्रिक्योरमेंट बजट है तो वो एओपी एनुअल ऑपरेटिंग प्लान से मैं मैच कर रहा है नहीं कर रहा और जो एक्चुअल स्पेंडिंग है वो एज पर बजट है नहीं है अगर आपकी स्पेंडिंग बजट से एक्सीड कर रही है तो किसी का अप्रूवल जरूर होना चाहिए किसी अप्रूविंग अथॉरिटी का अप्रूवल जरूर होना चाहिए जी आर एन रिपोर्ट में हम चेक कर सकते हैं कि बेसिकली कुछ सैंपल निकाल सकते हैं कि हमने पांच दस बीस जितने भी जी आर एन हुए हैं उसमें से कुछ सैंपल को चेक कर सकते हैं फोर वे चेकिंग कर सकते हैं जनरली एक रिपोर्ट निकल जाती है कुछ कुछ सिस्टम्स में कि जिसके अगेंस्ट पी आर के अगेंस्ट कौन सा पीओ रेस हुआ है उस पीओ के अगेंस्ट कितने जी हुए और कितने इन वॉयस एक्चुअली पेमेंट हुई है तो एक पूरी रिपोर्ट निकल सकती है बट अगर नहीं है तो अगर स्टिल आप ट्राई करिए अगर आपका सिस्टम एक रिपोर्ट नहीं निकाल सकता तो आप अलग अलग रिपोर्ट निकाल के चेक कर सकते हैं पूरी चेन को चेक कर सकते हैं कि पी बना उसके अगेंस्ट पी ओ इशू हुआ उसके अगेंस्ट जी हुआ उसके अगर इन्वाइसिंग हुई चारों का चारों का फ्लो चेक कर सकते हैं कि कितने कितने टाइम में हुआ कुछ गैप तो नहीं है तो कुछ सैम्पल में ये भी चेक कर सकते हैं ओपन पी ओ पी आर ये तो बेसिक पॉइंट है वो आप चेक कर सकते हैं कि कितने ओपन पी ओ हैं पी हैं और जी आर और उनका रीज़न पूछ सकते हैं डिपार्टमेंट से एक्सेप्शन अप्रूव करने वाला कोई अप्रूविंग अठो

डिफ्रेंट वेंडर से डिफरेंट प्राइजेस पर खरीदा है तो क्यों खरीदा है आपको अमरजेंसी परचेज थी या और कोई रीजन थे वो आप पूछ सकते हैं जनरली होता नहीं ऐसा बट कई बार होता है कि कुछ कंपनीज जहां पर कुछ मटीरियल कुछ वेंडर से खरीदा जाता है और कुछ मटीरियल किसी और वेंडर से खरीदा है और कभी कभी एमरजेंसी के वक्त लेने के चक्कर में वो महंगा भी खरीदा जाता है तो कुछ बार जेनवन रीजन होता है और कुछ बार आप पूछ सकते हैं डिपार्टमेंट से कि आपने ऐसा क्यों किया अगर आपने वेंडर मास्टर चेक करना है तो कुछ वेंडर का सैंपल चेक कर सकते हैं कि इनके पूरी की पूरी केवासी ली नहीं है कैंसिल चेक लिया है या नहीं है बाकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कंपनी की पॉलिसी के अगर न्यू वेंडर रजिस्टर करना है तो उसमें क्या चेक है चेक पॉइंट अप्रूव वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया नहीं लिया तो बाकी चीजें भी आप ये उसकी चेक कर सकते हैं जो नया वेंडर जो उन्होंने खोले हैं आपके ऑडिट पीरियड में खोले हो सकते हैं या उससे पहले का भी आप चेक कर सकते हैं जब से आपका पॉलिसी या एसओपी में जब से बोला गया हो डुप्लीकेट वेंडर चेक कर सकते हैं बेसिस ऑफ पैन की एक ही वेंडर दो दो तीन तीन बार तो नहीं खुले हुए कुछ रीजन्स में खुल जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जीएसटी में होता है जैसे कि एक बंदा मल्टीपल ट्रेड नेम से काम कर सकता है अगर प्रोपराइटर है तो उस केसिस में जेनुअन है अगर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लिए अलग अलग वेंडर खोले हैं उस केस में जैनुन है तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि डुप्लीकेट वेंडर तो नहीं है सिस्टम डमी वेंडर्स चेक कर सकते हैं या जिन्हें गोस्ट वेंडर्स कहते हैं उनको अगर पेमेंट की हो तो बहुत बड़ा रिस्क है तो डमी वेंडर को चेक कर सकते हैं आप एनालिसिस करेंगे वेंडर मास्टर को तो आपको बहुत सारे चेक पॉइंट्स और भी मिल जाएंगे उसके बाद भी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी चेक कर सकते हैं कितनी मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इफ अगर कंपनी मैनुफैक्चरिंग में है तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वहां पर डे इन डे आउट आपको मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आप चेक कर सकते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी अगर कंपनी के पास कोई रिस्क रजिस्टर है तो वो भी चेक कर सकते हैं आपकी प्रोक्योरमेंट फंक्शन से रिलेटेड क्या क्या रिस्क है P. P. के चेक कर सकते हैं कुछ सैंपल बेसिस पे एज पर एग्रीमेंट है या एज पर पीओ है या नहीं है तो कुछ वेंडर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हाई वैल्यू जो जिनसे परचेज की हुई है उनसे आप चेक कर सकते हैं कि कंपनी के, तो के पास डॉक्यूमेंटेड आर सी एम बना हुआ है नहीं है पिक्योरमेंट फंक्शन से रिलेटेड और भी बहुत सारे पॉइंट जैसे वेयर हाउस में फिजिकल वेरिफिकेशन होती नहीं होती क्वार्टरली बेसिस पे क्रैप डिस्पोज करने की कोई पॉलिसी है नहीं है अगर किसी के, कोई वेंडर हमारा कस्टमर भी है तो उसको कैसे हम बुक्स में मेंशन करते हैं तो ये सारी चीजें कुछ चेक पॉइंट्स और भी हैं बेसिकली मोटे मोटे अगर आप इनको करेंगे इन तीस चेक पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो इनके बाद आपको तीस और चेक पॉइंट्स भी मिल सकते हैं क्योंकि काम करते करते ही बीच बीच में चेक पॉइंट जनरेट हो जाते हैं तो so, बेसिकली जो ये चेक पॉइंट्स है एक तरीके से बेस है इनको अगर आप फॉलो करेंगे इनको आप पूरा करेंगे तो इससे आपको और भी चेक पॉइंट्स मिलते जाएंगे तो ये थी छोटी सी वीडियो प्रिक्योरमेंट ऑडिट के ऊपर अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथ ही साथ सजेस्ट कीजिए कि कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं इन वीडियोस को और कैसे और कुछ आपको नॉलेज चाहिए और और किसी प्रोसेस के बारे में आपको स्पेसिफिकली पूछना है तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि उसपे मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में टेक केयर स्टे सेफ